हेलो दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन के 86 में। दोस्तों, रेलवे एलपी परीक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट कल रात में ही आ चुकी थी, जिसका मैंने एक वीडियो भी आपको दे रखा है और वहां पर बताया गया है कि रेलवे एलपी परीक्षा सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो आप लोगों ने, मुझे लगता है कि सबने चेक कर लिया होगा, जिसका हुआ है उनको ऑल द बेस्ट है सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि उनका रास्ता क्लियर हो चुका है। और किसका हुआ है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज करते रहेंगे कि सर मेरा हुआ है, और अपना रोल नंबर और माफ़ कीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो DOB है वो भी मैसेज कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों से जुड़ सकें और सीबीटी 2 के लिए आपका रास्ता भी क्लियर होता रहे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे वो बहुत कंफ्यूज हुए हैं, किस लिए? तो ट्रेड 73, 74, 75 को लेकर। जी हाँ, ट्रेड जो है ये 72 से लेकर 75 तक का मामला क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। तीसरी चीज़, मैं यहाँ पे आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करूँगा, पर उसके बारे में थोड़ा सा ही बताऊँगा, क्योंकि नॉर्मलाइज जो रिज़ल्ट बनकर आया है इस बार, वो बहुत सारे लड़कों का जिनका बाउंड्री लाइन पे सिलेक्शन रुका हुआ था, उनका तो सिलेक्शन हो गया है, पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका बाउंड्री लाइन पे सिलेक्शन हुआ था और उनका डिसक्वालीफाई हो गया है सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जाएं और चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, बेल आइकन दबाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। अब लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट RRB पटना। जी हाँ, RRB पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं CBT 1 का। ये देखिए, यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, व्यू फर्स्ट स्टेज CBT 1 स्कोर कार्ड मास्टर क्वेश्चन पेपर विद द फाइनल की। इसी लिंक पे क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्ट जाकर अपना भी चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ये आपके मोबाइल में नहीं खुल रहा है, तो ये अगर आपने यहाँ पर 3 डॉट देख रहे हैं, तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और ये नीचे जाकर यहाँ पर डेस्कटॉप साइट है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ये आपके मोबाइल में भी इसका लिंक खुलने लगेगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे देखना है अपना रिजल्ट। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट की जिनका रिजल्ट कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। चलिए, तो हम लेकर चलते हैं उस पहले लिंक पर और आपको दिखलाना चाहेंगे, जो है अमन चोकर, जिसका मैंने अभी रिजल्ट खोल रखा है यहाँ पर। ये है अमन चोकर, और ये इनका देखिए जो नॉर्मलाइज मार्क है, ये 46 आया हुआ है, ठीक है? आप देख रहे हैं इनका 46 से 46, यानी कि कट ऑफ कितना गया होगा कि इनका नंबर 46 पे ही सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए, अब इनका जो एग्ज़ाम ट्रेड है ये है 75। अब ट्रेड का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा, ट्रेड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट का 72 है, 73 है ट्रेड संख्या, तो इसमें क्या हो रहा है कि ट्रेड संख्या वो नहीं है कि आपका ट्रेड, यानी कि जो पोस्ट प्रिफ्रेंस को ट्रेड मत समझिएगा, यहाँ पर ट्रेड का मतलब है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपका जो सिलेक्शन हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 पे आया है, कितना नॉर्मलाइज मार्क, तो 46.21, ठीक है? ये कितने पे, तो आपका रिजल्ट बना है 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे रिजल्ट बना है आपका, और नॉर्मलाइज मार्क कितना आया है, तो ये आया है 46.21, नोट कर लीजिएगा, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका है ट्रेड एग्जाम ट्रेड है 72, और उनका 37 नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया है। मैं एक आपको स्क्रीनशॉट दिखलाना चाहूंगा उस कैंडिडेट का, ये देखिए, ये है मुंबई जोन से इन्होंने अप्लाई किया था, RRB मुंबई से, सुमित कुमार नाम है इनका, और ये देखिए इनका जो नंबर ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स है ये 37 आया है, ठीक है? पर इनका जो ट्रेड है ये कितना है, तो 73 है। अब आप समझ सकते हैं कि इनका जो सिलेक्शन हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था इनका 73 था, उस पर इनका नॉर्मलाइज मार्क्स बना है कितना, तो 37.04, जिस और इनका देखो पोस्ट प्रिफ्रेंस क्या था, तो फिजिक्स और मैथ का था। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और उनके पोस्ट प्रिफ्रेंस के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है, कि जैसे मान लो किसी का फीटर का है, किसी का इलेक्ट्रीशियन का है, तो किसी का मैथ और फिजिक्स का है, तो ये सब चीज़ों को अगर देखिएगा तो जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स बना है वो उसके अनुसार बना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन कैंडिडेट का जो कंफ्यूज हो रहे हैं ट्रेड को लेकर।
तो ट्रेड यहां पर यही बता रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पे जो सिलेक्शन हुआ है आपका वो है एग्जाम ट्रेड, और पोस्ट प्रेफरेंस जो है जो आपका जिस प्रेफरेंस से आपने एग्जाम दिया है, जैसे कि आपने अगर फीटर से दिया है तो फीटर का ही रिजल्ट आएगा, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से दिया है तो इलेक्ट्रिशियन का ही देगा। ठीक है, एक कैंडिडेट है, देखिए उनका भी मैं दिखलाना चाहूंगा आपको। ये कैंडिडेट है इलाहाबाद जोन से, इन्होंने अप्लाई किया था, ये देख सकते हैं इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और इनका रिजल्ट, कि इनका जो नॉर्मलाइज नंबर है ये है 39, पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सीबीटी 2 में इनका रास्ता क्लियर नहीं हो पाया है, शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेकेंड स्टेज नो है यहाँ पर, और ये है फीटर से। अब फीटर का जो कट ऑफ है ये हो सकता है कि हाई गया हो इनका, इसलिए इनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो ये इनका पुराना रिजल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर इनका ट्रेड इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि इनका रिजल्ट पिछले बार भी क्लियर नहीं था और इस रिजल्ट में भी क्लियर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मत कंफ्यूज में रहिएगा कि उनका कम नंबर है तो सिलेक्शन हो गया है और मेरा ज़्यादा नंबर होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है इनके साथ, 37 नंबर लाकर भी ये सिलेक्ट हुए हैं अगले स्टेज के लिए, और इनका एग्जाम ट्रेड यहाँ पे बताया गया है वो 73, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 73 में आपका सिलेक्शन हुआ है जिसमें कि 37 नंबर आया है उसके अनुसार। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ट्रेड को लेकर। और दूसरी चीज़ वो मैं क्या बोलने वाला था कि आपको कि जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आया है इस पे आपको ध्यान देना है, वही आपका ओरिजिनल मार्क्स है, और जो ट्रेड है यानी कि मान लीजिए अगर 73 है तो 73 में उतना आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आया है, तो इसलिए आपका रिजल्ट बना है और नहीं बना है। पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बाउंड्री मार्क्स पे रहते हुए भी और पिछली बार सिलेक्शन हुआ था और अब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे? अब उनके लिए तो बैड लक ही है, वो अभी उनके लिए कुछ भी अभी यहाँ पे नोटिस नहीं दिया गया है, पर मैं आप उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर जब तक हर ऑफिशियल वेबसाइट पे, आरआरबी के हर ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिंक दिया जाएगा जिसमें कि पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और उस पीडीएफ में सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट के नाम भी दिए जाएंगे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी भी उनको घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है कि जब उनका लिस्ट तैयार होगा तो जो कैंडिडेट पहले सेलेक्टेड थे उनको ना हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे को निर्देश दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है सीबीटी 1 में, तो हो सकता है कि उनको भी लिया जा सके। पर घबराने की बात नहीं है, जैसे ही रिजल्ट कुछ आता है शो करता है यहाँ आरआरबी पटना के वेबसाइट पे या फिर किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आरआरबी के, तो हम आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना होए, अभी भी कुछ उम्मीदें बनी हुई हैं कि उनका रिजल्ट आ सकता है जो यहाँ पर पीडीएफ इन लोगों के द्वारा दिया जाएगा। अगर आएगा तो हम जरूर शेयर करेंगे आपके साथ, अन्यथा आप लोग सभी अपना रिजल्ट इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं, और सीबीटी 2 के लिए जिनका रास्ता क्लियर है उनको ऑल द बेस्ट, और जिनका क्लियर है वो एक बार अपना मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा हो चुका है, तो हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।